वेलकम टू माई YouTube चैनल स्टडी वाला फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फ्रेंड्स अगर चैनल में पहली बार विज़िट कर करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम टर्म्स जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक तरीके का इकोनॉमिक टर्म है इट रेफर्स टू डिमांड सेंसिटिविटी ये रेफर करता है डिमांड का डिमांड का सेंसिटिविटी को इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ये हेल्प करता है समझने में हाउ द डिमांड ऑफ़ फॉर गुड्स चेंजेस गुड्स का डिमांड कैसे चेंज होता है इज़ वैन देयर आर चेंजेस इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स जबकि कब वन uh, मीस कब चेंजेस होता है अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स डिमांड डिमांड इलेक्ट्रिसिटी इज कैलकुलेटेड डिमांड इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटेड किया जाता है एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज करके डिमांडेड डिवाइडेड और जो डिमांड है उनसे डिवाइड करके बाय अ परसेंट चेंज जो परसेंट चेंज होता है उससे इन अदर इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ ये हायर वैल्यू फॉर द डिमांड इलास्टिसिटी जो हायर वैल्यू होता है वो डिमांड इलास्टिसिटी का विद रिस्पेक्ट के साथ टू एन इकोनॉमिक वेरिएबल एक इकोनॉमिक वेरिएबल मीन्स दैट कंज्यूमर्स आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेज इन दिस वेरिएबल्स एक कंजूमर मोर ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन वेरिएबल चेंजेस में टाइप्स ऑफ डिमांड एलिस्टिसिटी पहला प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस रेफर्स टू द चेंज और सेंसिटिविटी इन द कस्टमर्स डिमांड फॉर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन इट्स प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ये रेफर्स करता है चेंज से चेंज के साथ या सेंसिटिविटी इन कस्टमर्स का जो डिमांड के लिए क्वांटिटी क्वांटिटी और गुड्स का करता है विद रिस्पेक्ट के साथ टू आ चेंज इन इट्स प्राइस इसका प्राइस का चेंज के साथ कंपनीज ऑफन कलेक्ट दिस डेटा कंपनी कलेक्ट करता है इस डेटा को ऑन द कंज्यूमर रिस्पॉन्स के साथ कंज्यूमर का रिस्पॉन्स में द प्राइस चेंजेस और प्राइस चेंजेस में दिस हेल्प्स देम एडजस्ट द प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इनका फार्मूला है फ्रेंड्स ई पी इक्वल टू एलेक्स्ट्रिसिटी प्राइस इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई प्रोपोर्सनेट चेंज इन प्राइस, इनकम इलेट्रिसिटी ऑफ डिमांड दिस इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर आर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम ये रिस्पॉन्सिनेस डिमांड है प्रोडक्ट और सर्विसेज का विद रिस्पेक्ट के साथ टू द चेंज इन इनकम और इनकम में चेंज होता है सो इट विल मेज़र द इक्रीज़ और ये हेल्प करता है मेज़र इंक्रीज़ करने में और डिक्रीज में इन डिमांड और डिमांड में वैन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर जब एक कंजूमर का इनकम इंक्रीज़ और डिक्रीज जब उनका इनकम इंक्रीज़ और डिक्रीज होता है ई जी इक्वल टू परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्ट इनकम परसेंटेज चेंज होता है इनकम डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट के लिए जब उसका परसेंटेज चेंज होता है इनकम में किसी भी कंज्यूमर का क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड दिस वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द परसेंटेज इस वैल्यू को कैलकुलेटेड किया जाता है यूजिंग परसेंटेज को परसेंटेज चेंज को इन डिमांड क्वांटिटी में फॉर अ गुड्स एंड डिवाइडिंग किसी गुड्स का और उसे डिवाइडिंग के लिए इट बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ सम अदर गुड्स और इसे परसेंटेज चेंज करता है प्राइस में कुछ गुड्स और सर्विसेज का तीस इंडिकेट्स ये इंडिकेट्स करता है द कंज्यूमर रिएक्शन कंज्यूमर का रिएक्शन को टू डिमांड आ पर्टिकुलर गुड्स और किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए इन अकॉर्डेंस विद प्राइस चेंजेस ऑफ ऑफ अदर गुड्स और अदर गुड्स का प्राइस चेंजिंग में इनका फार्मूला है ई सी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स गुड्स एक्स का जब क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज होता है देन बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई देन गुड्स वाई का जो प्राइस है वो परसेंटेज चेंज हो जाता है एडवरटाइजिंग एलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एडवरटाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मीज़र ऑफ अ मार्केट सेंसिटिविटी टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एडवर्टाइजिंग सैचुरेशन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक तरीके का मेजरमेंट है किसी मार्केट सेंसिटिविटी का उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने में एडवरटाइजिंग सैचुरेशन को एडवरटाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ अज़र इलेक्ट्रिसिटी एडवरटाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी एक मेज़र है ऑफ एन एडवरटाइजिंग कंपनस का जो इफेक्टिवनेस होता है इन जनरेटिंग न्यू सेल्स न्यू सेल्स को जनरेटिंग करने में इफेक्टिवनेस होता है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय इसे कैलकुलेटेड किया जाता है डिवाइडिंग दर्सेंटेज इज चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड जो कि डिवाइड किया था परसेंटेज चेंज में इन क्वांटिटी डिमांड बाय दी परसेंटेज चेंज और उसे बाय किया था परसेंटेज चेंज इन एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर के साथ ए पॉजिटिव एडवरटाइजिंग एल्ट्रिसिटी इंडिकेट्स एक पॉजिटिव एडवरटाइजिंग एलेक्ट्रिसिटी इंडिकेट्स करता है दैट इन इंक्रीज़ इन एडवर्टाइजिंग जो कि एक में इंक्रीज़ करता है लीड्स टू एन इंक्रीज और एक इंक्रीज में लीड्स करता है इन डिमांड में फॉर दी एडवरटाइज गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का एडवरटाइज के लिए ये इनका फार्मूला है इक्वल टू प्रोपोर्सनेट चेंज इन डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है बाय प्रोपोर्सनेट चेंज इन एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर जो एक, 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 एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर है उनमें चेंज होता है तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका पंद्रह नंबर में या साढ़े सात नंबर में आता ही आता है नीड ऑफ डिमांड फॉर कास्टिंग फॉर कास्ट डिमांड फॉर कास्टिंग का जो नीड है वो फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है किसी भी कंज्यूमर का कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स को प्रिपेरिंग द बजट्स और इसमें जो एडवरटाइज़ करने के लिए कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट का जो नॉलेज देना होता है उसके लिए जो एडवरटाइज किए जाते हैं उसके लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है इस्टेबलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंडिंग ऑर्गनाइजेशन और ऑर्गनाइजर्स को एक्सपेंड करना होता है टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजंस और एक मैनेजमेंट का डिसीजन लेना होता है एवेलुएटिंग परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस को एवेल करना होता है तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आप एग्ज़ाम में खुद से बना बना के लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फॉर कास्टिंग जो शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स फोर कास्टिंग की जाती है उनका ऑब्जेक्टिव्स है प्रोडक्शन पॉलिसी आपका शॉर्ट टर्म जो डिमांड करते हैं आप फोरकास्टिंग उनके लिए प्रोडक्शन पॉलिसी सही होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एक्सपेंडिचर पैटर्न सही होनी चाहिए सेल्स पॉलिसी आपका तगड़ा एकदम जबरदस्त होनी चाहिए प्राइस पॉलिसी सही होनी चाहिए सेल्स टारगेट जो है और कंट्रोल उस पर होनी चाहिए एंड इंसेटिव जो है होनी चाहिए सेल्स को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो होता है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपका सही होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म जो आप फोरकास्टिंग करेंगे प्लानिंग करेंगे सेल्स के लिए तो उनके लिए अलग ऑब्जेक्टिव्स है कि न्यू यूनिट और एक्सपेंशन नए नए यूनिट्स तैयार करना उससे एक्सपेंशन करना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को आपका फुलफिल रखना मेन पावर प्लानिंग आपको मेन पावर की अच्छी प्लानिंग करनी होगी आपको नए अच्छे टेक्नोलॉजी लाने होंगे मेन पावर सही रखने हैं सप्लाई एनालिसिस सप्लाई एनालिसिस इज़ आप रिसर्च एंड एंड एनालाइजिंग डन टू अंडरस्टैंड द सप्लाई ट्रेंड्स सप्लाई एनालिसिस जो है आपका एक रिसर्च है एंड एनालाइज है जो किया जाता है समझने के लिए किसी भी सप्लाई ट्रेंड्स को एंड रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट एंड प्रोडक्शन वेरिएबल्स और उसे समझ रिस्पॉन्स चेंजिंग को पाने के लिए जो मार्केट का रिस्पॉन्स है चेंजिंग वो प्रोडक्शन वेरिएबल्स को समझने के लिए सप्लाई एनलाइसिस टेक्स इन टू अकाउंट द प्रोडक्शन कोस्ट जो सप्लाई एनालसिस है वो आपका प्रोडक्शन कोस्ट करता है प्रोडक्शन कोस्ट को अकाउंट में कन्वर्ट करता है लेता है जिसके रॉ मेटेरियल्स कोस्ट कितना होगा टेक्नोलॉजी पे कितने कोस्ट लगेंगे लेबर्स पे कितने लगेंगे वेजेस पे कितने लगेंगे इन सारी चीज़ों का आपका अकाउंटिंग में मेंशन किया जाता है द एनालिसिस हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स एनालसिंग जो है हेल्प करता है एक मैन्युफैक्चरर्स को एंड कंपनीज़ को टू अंडरस्टैंड समझने के लिए कि द इम्पेक्ट ऑफ दिज वेरिएबल्स ऑन सप्लाई एंड इवेंचुअली डिमांड और इवेंचुअली डिमांड कितना है और हमारा सप्लाई कितना हो रहा है इन चीज़ को इनका इम्पैक्ट को समझने के लिए लॉ ऑफ सप्लाई द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉ है दैट स्टेट्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स बींगल जो सभी और, और भी जो फैक्टर्स हैं सभी इक्वल होता है एज द प्राइज ऑफ़ गुड्स और सर्विसेज जो प्राइज़ है गुड्स और सर्विसेज का वो इंक्रीज़ होता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो क्वान्टिटी है गुड्स और सर्विसेज़ का दैट सप्लायर्स ऑफ़र विल इंक्रीज़ और सप्लायर का ऑफ़र जो है वो इंक्रीज़ करता है द लॉ ऑफ सप्लाई सेज द लॉ ऑफ सप्लाई कहता है दैट एज द प्राइज ऑफ़ एन आइटम गोज़ अप अगर एक प्राइज़ किसी भी आइटम्स का इंक्रीज़ होता है सप्लायर्स विल अटैम्प्टू मैक्माइज दियर प्रॉफिट्स एक सप्लायर अपना मैक् मैक्सीम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स वो अटैम्प्ट करेगा प्रोफिट कमाएगा बाई इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफर्ड फॉर सेल और जो इंक्रीज करेगा क्वांटिटी का ऑफर क्वांटिटी सेल जो प्रोडक्ट को सेल करने में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट्स में बताएं मैं सॉल्व कर दूँगा और नोट्स भी चाहिए तो मैं नोट्स ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको तो थैंक यू सो मच ये टॉपिक जो है बहुत ही आता है आपका एग्ज़ाम में साढ़े सात नंबर पे या तो फिर पंद्रह नंबर पे लेकिन आता जरूर है तो इसे आप याद कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग